So in this video we are going to start exercise 13.4 question number 9. Let's see question number 9 here. A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. So we need to find out here three parts. First we can say surface area of sphere, second one curved surface area of the cylinder, or last one we have here ratio of area obtained first and second part, isn't it? So we have a diagram here. तो देखिए इस डायग्राम में हमें यहाँ पर जो रेडियस दे दी स्पेयर की वो r दे दी, ठीक। तो मैंने इतनी रेडियस r ले ली सेंटर से, तो इसको अगर मैं ज्वाइन करूँगा स्पेयर के किसी भी पॉइंट को सेंटर से, तो मुझे क्या गेट हो जाएगा, वी हैव रेडियस हेयर। सिमिलरली मैंने नीचे भी देखो, नीचे भी इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, तो इसको मैंने ज्वाइन किया तब भी ये मुझे इस सेंटर से रेडियस गेट हो गई, ये भी रेडियस है स्पेयर की, ठीक है। अब मैं अगर इतनी इतनी पूरी की बात करूँ, ये डायमीटर किसकी बन गई, स्पेयर की डायमीटर बन गई, बट ये सिलेंडर की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ये सिलेंडर की देखो हाइट, क्योंकि सिलेंडर जो है किससे इनक्लोजेज है भाई, सर्किल इसमें कहा है, सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज ए स्पेयर, मतलब सर्कुलर सिलेंडर के अंदर एक स्पेयर है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है ये, तो इसकी हाइट टू आर हो गई। अब देखिए ये इसकी रेडियस स्पेयर की रेडियस है, तो ये भी रेडियस हो जाएगी, तो सिलेंडर की जो रेडियस हो गई वो आर हो गई, ठीक, स्पेयर की रेडियस भी आर है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया गिविन में रेडियस ऑफ स्पेयर आर, इजंट इट। अब मुझे एक बात बताओ, रेडियस ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर, सर्किल तो है ही नहीं है, बताओ रेडियस सिलेंडर, ये भी आर हो जाएगी, क्योंकि इसी को इनक्लोज कर रखा है इसने पूरी तरह। अब मुझे हाइट बताना, एच बराबर क्या हो जाएगा, टू आर हो जाएगा, आर प्लस आर। अब फर्स्ट पार्ट पर चलो, फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है मुझे, फर्स्ट पार्ट में मुझे फाइंड आउट करना सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, बताइए क्या फॉर्मूला अप्लाई कर दूं मैं, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, स्पेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला बता दो आप क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला होगा जी 4πr² r की वैल्यू r ही है, यही आंसर मुझे मिल गया, ठीक है। पहला कंप्लीट हो गया, अब सेकंड पार्ट पर चलिए, सेकेंड पार्ट में व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है मुझे सेकेंड पार्ट में, वी नीड टू फाइंड आउट हेयर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो बताओ क्या करें, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड कर लें, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या हो गया, 2πRh, ठीक, ये हो गया 2πRh की वैल्यू वी हैव 2R हो गई, ठीक है, h की वैल्यू तो 2R है, ये रही देखो। अब मेरा कितना हो गया, 2 × 4 4πR² किसका सरफेस एरिया आ गया, सिलेंडर का सरफेस एरिया आ गया। अब थर्ड पार्ट में मुझे क्या फाइंड आउट करना था, रेशियो ऑफ द एरियाज, रेशियो ऑफ द सरफेस, रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज वी कैन से, तो क्या है रेशियो का फॉर्मूला, क्या अप्लाई करेंगे बताओ, दोनों को ऊपर नीचे रख दूं भाई, इसका क्या है स्पेयर का 4πr² है, और इसका क्या है सिलेंडर का 4πr² है, दोनों का वन और टू से जो ऑब्टेंड हुआ उसके रेशियो को तो ऊपर नीचे करना है,
देखिए ये इससे पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो 1:1 मुझे इसका क्या आ गया, रेशियो आ गया किसका, सरफेस एरिया का। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।